सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल को एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस अगर आप विदाउट व्हाट्सएप के किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हैं वो भी अपने फोन डायलर से तो नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। वेल गाइस उसके लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन डायलर को और ये जो डायलर मैं यूज कर रहा हूँ ये गूगल का डायलर है। अगर आप वीवो का ओल्ड डायलर एक्सेस कर रहे हो यू नो उसमें आपको पुराना वाला ही प्रोसीजर मिलता है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ डायलर को ओपन करिए, थ्री डॉट पर जाना है, सेटिंग्स को ओपन करेंगे, कॉलिंग अकाउंट का एक सेटिंग्स होगा इसको प्रेस करना है एंड आपको चूज करना है सिम वन और सिम टू। तो मैं यहाँ पर सिम वन चूज करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग और ये अगर डिसेबल्ड है तो ऐसे केस में ऑप्शन नहीं आएगा तो आप इसको ऑन करिए। और जो पुराना डायलर है उसमें इनेबल डिसेबल करने का कोई बटन नहीं है, आप आसानी के साथ किसी को कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। देखो जो नंबर आपके फोन के अंदर सेव्ड नहीं होंगे अगर उसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से एडिट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से डायरेक्टली आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस नंबर को डायल कर देंगे तो आपके डायलर जो डायल पैड होगा दैट मींस जहां पर आपका कलर आईडी दिखाई देगा वहां पर वीडियो कॉल का ऑप्शन भी आता है, वहां से डायरेक्टली कर सकते हो ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में। अब यहां पर जो नंबर सेव होंगे जैसे कि मेरे केस में ये नंबर आई थिंक सेव है, हाँ ये सेव नंबर है। अब यहां पर वीडियो कॉल का लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाता है, अगर मैं किसी को चाहूं तो वीडियो कॉल इस तरीके से नंबर्स को सेव करके आसानी से कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप भी अपने फोन के अंदर डायरेक्ट वीडियो कॉल सेटिंग को इनेबल करके यूज कर सकते हैं।